हाय फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टाटा अप्रेंटिस जो भी आप लोगों ने फॉर्म वगैरह भरा था उसके रिगार्डिंग आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो मैं यहां पर जमशेदपुर आया हूं और SNTI की ऑफिस जो कि अप्रेंटिस का एग्ज़ाम करवाती है, आप लोगों को पता ही है कि जो भी टाटा स्टील का जो भी एग्ज़ामिनेशन होता है वो सारा कुछ SNTI करवाती है, जिसका मेन ऑफिस जमशेदपुर में है। और वहाँ पर मैं आया, कुछ एग्ज़ाम से रिलेटेड नोटिस वगैरह लगा हुआ था, तो जिसको मैंने देखा और समझने की कोशिश की कि एग्ज़ाम कैसे होगा और क्या प्रोसीजर है, कब से आपका एडमिट कार्ड रिलीज़ किया जाएगा। और काफ़ी लोगों को ईमेल वेरिफिकेशन के लिए भी मेल आया, काफ़ी लोगों को नहीं आया, तो क्या ये मतलब सारे कंक्लूज़न को मैं दूर करने की कोशिश करता हूँ इस वीडियो में। अंदर जाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर नोटिस लगी हुई है, इस नोटिस को हम देखते हैं, उसके बाद यहाँ से अंदर आते हैं। रिक्रूटमेंट इंक्वायरी, तो आप लोगों ने देखा, ये मैंने पूरा नोटिस वगैरह भी आपको दिखाया। यहाँ पर नोटिस जो लगा हुआ था उसको मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो नोटिस था इसमें साफ़ लिखा हुआ है कि जो भी एग्ज़ाम होगा वो आपको लैपटॉप या आपके स्मार्टफोन के माध्यम से आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तब लैपटॉप तो ठीक है, लेकिन स्मार्टफोन तो थोड़ा सा मन में कन्फ्यूज़न हो रहा है कि यार हो सकता है कि आप जो एग्ज़ाम है वो घर बैठे देने वाले हैं। और यहाँ पर ये मतलब अंदर से खुशी भी है कि हाँ, बहुत सारे ऐसे लड़के होंगे जो अभी से प्लानिंग स्टार्ट कर लेंगे वीडियो देखते साथ ही, यार कैसे चीट करना है, कैसे ये वो सेटिंग कर लेना है, सारा कुछ का अभी प्लानिंग कर रहे होंगे। प्लानिंग वगैरह अगर आप कर रहे हैं कि हाँ, अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं कि हाँ चीट वगैरह कैसे मारेंगे, कैसे पूरा लैपटॉप वगैरह बढ़िया से, यार अब मैं तो बोलूँगा पूजा पाठ कर करके तैयार हो जाओ। 24 तारीख से लेकर के 31 तारीख के बीच में आपका एग्ज़ाम का कभी भी आपको डेट मिल सकता है। और आपका एडमिट कार्ड की अगर बात करेंगे तो जो एडमिट कार्ड है, हो सकता है कि आज या फिर आपके एग्ज़ाम से एक दो दिन पहले, अगर आपका मान लीजिए 27 को एग्ज़ाम है तो हो सकता है कि आपका एडमिट कार्ड 25 को दे दिया जाए, या आपका एग्ज़ाम 31 तारीख को है तो हो सकता है कि आपका एडमिट कार्ड 28 को दे दिया जाए। और मेनली जनरली अगर मैं बात करूँ तो आज एडमिट कार्ड आने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। आज आपको एडमिट कार्ड हो सकता है कि आपके ईमेल आईडी, जो भी आपने फॉर्म भरते समय ईमेल आईडी दिया था उस पर आपका भेज दिया जाएगा। और हाँ, अगर आपने मेल वेरिफिकेशन नहीं किया है ना तो कर लीजिएगा, ये कोई फ्रॉड नहीं है। आपको मेल वेरिफिकेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जा रहा है, क्योंकि आप फर्दर कम्युनिकेशन अगर बाय चांस आप फॉर्म फिलअप किए आपका मेल वेरिफिकेशन नहीं हुआ है तो फिर आपको दिक्कत होगी एडमिट कार्ड वगैरह के लिए। तो मेरा पर्सनल एडवाइस है कि आप अभी तक अगर मेल को वेरीफाई नहीं किए हैं तो मेल वेरीफाई जल्दी से कर लें। और मेल वेरीफाई कर लेने के बाद अगर फिर भी आपका एडमिट कार्ड नहीं आता है तो आप SNTI में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उसका हेल्पलाइन नंबर आपको नीचे ब्लिंक कर रहा होगा, या फिर मैं मेल आईडी भी दे दिया हूँ, साइड में आप देख सकते हैं मेल आईडी भी ये आपको दिख रहा होगा। इस मेल आईडी पे आप जल्द से जल्द कॉन्टैक्ट कर लें, और अगर आपका एडमिट कार्ड नहीं है तो एडमिट कार्ड से जो भी इंक्वायरी है आप वहाँ से बात कर सकते हैं। मैंने भी जानकारी लेने की कोशिश की। और एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि काफ़ी लोगों को ये भी लग रहा है कि यार मेरा मेल नहीं आया है, मेरे को मेल वेरिफिकेशन नहीं आया, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि जो भी रजिस्टर्ड एम्प्लॉई हैं, जिनके भी मदर फादर टाटा स्टील में वर्क करते थे, उनको ये ईमेल वेरिफिकेशन नहीं भेजा गया है। वैसे सभी कैंडिडेट जो भी 500 रुपये लगा करके अपना फॉर्म फिलअप किए थे उन्हें ही ये मेल वेरिफिकेशन आया है, जहाँ तक मुझे जानकारी मिली ऑफिस से। और इंटरनल वीडियो मैं बनाया था, लेकिन वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड ने बोला कि आप प्लीज़ इसको अपलोड नहीं कीजिएगा, ये सिक्योरिटी का मामला है, तो मैं उस वीडियो को यहाँ पर नहीं अपलोड कर पाया पूरा।
वरना मैं आपको कर देता, और मैं भी कुछ गाइडलाइंस को फॉलो किया टाटा स्टील को। तो अगर आपको ये हमारे द्वारा दी गई सारी जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को अब भी सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे सब्सक्राइब का बटन है। अगले वीडियो में मैं फिर से आपके साथ मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।